हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ खस्ता कचौड़ी खाने के लिए। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है खस्ता कचौड़ी, तो आप भी इस रेडी वाले भैया से कभी खा के देखिएगा। इसमें बहुत ही अच्छा कुरकुरा, चटपटा, खट्टा मीठा सारा टेस्ट होता है। इसमें आलू की सब्जी के साथ हम कचौड़ी खाएंगे, तो चलो बनाते हैं। तो ये आलू की सब्जी के साथ भैया कचौड़ी बना रहे हैं, तो आप देख सकते हो कितनी क्रिस्पी कचौड़ी है ये। तो इस पर डलेगी अब गर्मा गर्म आलू की सब्जी, तो आप देख सकते हो इसमें गर्मा गर्म आलू की सब्जी है। तो ये कितना भी हम चाहें घर पे हम बना के खा लें, लेकिन इतनी टेस्टी हम घर पे नहीं बना सकते। तो ये सिर्फ 10 रुपये में, 20 रुपये में और 30 रुपये में मिलती है। और देख सकते हो आलू की सब्जी के ऊपर पहले कचौड़ी डाली है, उसके ऊपर उन्होंने आलू की सब्जी, उसके ऊपर डाला है चाट मसाला। तो अभी चाट मसाले के ऊपर डाल रहे हैं इसमें हरी चटनी। तो नीचे क्रिस्पी कचौड़ी है, उसके ऊपर आलू की सब्जी और चाट मसाला साथ में और हरी चटनी। तो हरी चटनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये घर पे बनी हुई हरी चटनी है। तो अभी इसमें डल जाएगा दही, तो आप देख सकते हो फैटी हुई दही डाली है भैया ने इसमें। तो अभी जाएगा इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, तो इससे बहुत ही टेस्ट लाजवाब होने वाला है। तो मैं ये काफ़ी टेस्टी लगती है मुझे, मैं हमेशा खाती हूँ फ्रेंड्स। तो आप भी एक बार ही खा के ज़रूर देखिएगा, तो फिर मैं आपको एक बार इसको खा के इसका टेस्ट बता सकती हूँ कि ये कैसा है खाने में। तो फिर मैंने इसमें प्याज वगैरह नहीं डलवाया, इसमें प्याज वगैरह भी डलता है, बहुत टेस्टी होता है। नवरात्रे चल रहे हैं तो मैंने इसको बिना प्याज के लिया है फ्रेंड्स। तो आप जब भी खाइएगा इसमें प्याज वगैरह डाल के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है ये। तो मैं आपको इसका टेस्ट बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, बिल्कुल खट्टा तीखा चटपटा, और मुंह में कुरकुरी सी जो ये कचौड़ी है ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर इसको एक बार खा के देखिएगा खस्ता कचौड़ी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इन जैसे भाइयों को भी हम जैसों से बड़ी आस होती है कि हम इनकी कचौड़ी वगैरह खाएँ, तो फिर इनकी ज़रूर खाइएगा आप रेडियो पे। अब फ्रेंड्स बड़े बड़े आदमियों को तो हर कोई उठाता है, बड़े बड़े नाम होते हैं पूरे वगैरह वगैरह सब, लेकिन इन जैसे रेडियो वालों को जो भी हैं हमारे जैसे बंदे ही उठाते हैं। छोटे बंदों का भी खाना चाहिए, ये भी 4 पैसे कमाएँ। तो फ्रेंड्स मैं भैया की कचौड़ी के पैसे दे रही हूँ, तो फिर बाय फ्रेंड्स।